वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट बजट। विल ट्राई कि 20 से 25 मिनट में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर विद प्रैक्टिकल्स फटाफट से रिवाइज कर लें। हमारे पेपर्स पास हैं और हमारा रिवीजन का टाइम कम है। तो आइए बेटा, आज हम टॉपिक शुरू कर रहे थे गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले उसमें हम सीखेंगे गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, यानी आखिर गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो सबसे पहले आपके पास स्लाइड है, जिस स्लाइड में आपको मेंशन है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो यहां लिखा है बेटा, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, यानी सबसे पहले तो ये साल के लिए बना। दूसरा, इसमें शो हो रहा है बेटा सारी की सारी एस्टिमेटेड वैल्यूज, राइट, यानी एस्टिमेटेड रेवेन्यूज और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आने वाले साल के लिए ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, राइट। इन सभी का मतलब हो गया कि हमने सालाना एक बजट बनाया कि आने वाले टाइम में हमारे अंदाजन कितने खर्चा होगा और कितना इनकम मिलेगा, राइट। साथ ही साथ हम इसमें देख रहे हैं कि जितने भी जरिया हैं, क्योंकि हमारे पास जब बजट बनाना है उसमें हमें ये देखना ज़रूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट कि हमारे पास कितनी इनकम्स आने वाली हैं अगर हम सारे सोर्सेज लगा दें, और कहाँ कहाँ पर हमारा खर्चा होगा। सो दिस इज माई गवर्नमेंट बजट। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे या इसके कॉम्पोनेंट्स में कि जब भी हम लोग को गवर्नमेंट बजट बनाना है तो उसमें हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर तो बेसिकली एस्टिमेटेड रेवेन्यूज थे और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स थे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कॉम्पोनेंट्स बना रही है तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आइए सीखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है बेटा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट यह क्या करेगा कि या तो वो सब्सिडीज देगा या टैक्स कंसेशंस दे रहा है, किस चीज़ पर, जो हमारे लिए प्रोडक्ट ज़रूरी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्सेस लगा देगा अगर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट है। मान लीजिए अगर कोई फर्म है हार्मफुल प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे सिगरेट्स हैं, अल्कोहल है, तो डेफिनेटली इन पर टैक्सेस के रेट बढ़ा देगी। बट अगर कोई रिक्वायर्ड मेडिसिन है, हो सकता है उस पर सब्सिडी दे दे या टैक्स कंसेशंस दे दें। तो इससे हमारे पास गवर्नमेंट का बेसिक, देखिए गवर्नमेंट अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव कर रही है, गवर्नमेंट अगर कोई भी काम कर रही है, उसका मेन मोटिव होता है इकोनॉमी का वेलफेयर, राइट। तो उसके लिए इसने टैक्स कंसेशंस दिए, गवर्नमेंट ने वो हमारा प्लानिंग लिया। और अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं जो बाहर हमें महंगे पड़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बहुत महंगा बेच रहा है, तो हम उसे खुद ही प्रोड्यूस कर लें, यानी डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा आता है बेटा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को दोबारा से एलोकेट करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। यहाँ भी वही है बेटा, जितने रिच हैं, जैसे स्लैबिंग है हमारे यहाँ की कि अगर जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, राइट। इसका मतलब ये हुआ रिच पे ज़्यादा टैक्स और पुअर पे कम टैक्स या नो टैक्स। तो यहाँ से हमारी इनकम एंड वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है वो कम हो सकती है। This is second objective. Now third objective is economic stability. यानी जब भी depression period होता है, boom period होता है, तो prices बहुत up हो, बहुत कम हो, ऐसा हमें नहीं करना। हमें हमारे उन business cycles को adjust करना है और एक common platform पे चलना है। This is the third objective of government budget. Fourth objective है managing public enterprises. यानी जितने भी public enterprises हैं, railways वगैरह, उन सबको manage करना। मैनेज करने का यहाँ पर मेन मतलब आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी एक डिपार्टमेंट की मोनोपोली है तो वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट प्राइस चार्ज कर रहा है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कंट्री का भला, इकोनॉमिक वेलफेयर, राइट, बजाय के प्रॉफिट कमाना। तो इसीलिए वो पब्लिक एंटरप्राइजेस को यहाँ पर मैनेज करेगा। नेक्स्ट आएगा बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट सारे के सारे वो एफर्ट्स करेगा जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके, चाहे वो पार्क्स वगैरह बनाने हो, चाहे बिल्डिंग्स बनानी हो, हॉस्पिटल्स बनाने हो, जहाँ भी जिस भी वजह से गवर्नमेंट ये देखती है कि पब्लिक का भला हो सके, वो सारा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में आएगा। एंड लास्ट इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। इसका बेटा मतलब होगा कि कई बार ऐसा होता है किसी एक रीजन में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई हुई है, किसी रीजन में कम ग्रोथ हो रखी है, तो उस चीज़ को भी रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे एफर्ट्स करेगी ताकि वो कम से कम जो डिफरेंस है उसे रिड्यूस कर सके। उससे होगा क्या कि रीजन सारे बैलेंस पे आ जाएंगे, बैकवर्ड एरियाज इम्प्रूवाइज हो जाएंगे, और उस इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारे कंट्री का हमेशा ही भला होगा,
सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. अब इसके बाद जो हम देखेंगे बेटा वो है हमारा कॉम्पोनेंट या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट. तो कॉम्पोनेंट और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट में हमारे पास आएगा मेनली दो हेड्स, यानी जो रेवेन्यू आइटम्स है और जो एक्सपेंडिचर आइटम्स हैं. अब रेवेन्यूज हमारे पास होंगे, रिसीट्स जो हमारी होंगी वो होगी रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, और अगर हम खर्चे की बात करें वो भी रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर होगा. लेमैन में हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे रूटीन के खर्चे हैं या जो हमारी रूटीन की इनकम्स हैं वो सारी रेवेन्यू आइटम्स हैं, और जो हमारी वंस इन द ब्लू मून या जिसमें हमारा बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वो मेरा बनता है हमेशा कैपिटल इन नेचर. तो इसीलिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में मेरे पास बेटा आती हैं रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स, यानी कि रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब हम इनको डिटेलिंग में पढ़ेंगे. देखिए बेटा, बजट रिसीट्स का मतलब है गवर्नमेंट को सारी की सारी वो रिसीट्स जो एक साल में एक्सपेक्टेड है होना. इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. यानी आने वाले साल में जहाँ से भी गवर्नमेंट सोचता है कि मुझे यहाँ यहाँ से इनकम होगा, वेदर इट्स रेवेन्यू इन नेचर और कैपिटल इन नेचर, वो सारा हमारा बजटेड रिसीट्स में आएगा. ध्यान रखेंगे बेटा, बजट हमारा हमेशा दो पार्ट्स में होगा, वेदर इट्स रेवेन्यू और इट्स कैपिटल, राइट. अब रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं बेटा विच नीदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेज एन असेट. यानी ना तो रेवेन्यू रिसीट होने से देखिए होगा क्या, आपके पास पैसा आया. जब आपके पास पैसा आया तो उससे ना तो आपका एसेट कम होना चाहिए और ना ही आपकी लायबिलिटी बढ़नी चाहिए. दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होगी तो ही वो रेवेन्यू रिसीट है, अदरवाइज वो नहीं है. यहां एग्जांपल आपको गिवन है बेटा सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स. यहां आपके पास पैसा तो आ रहा है बट देयर इज नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस अमाउंट, राइट. अब रेवेन्यू रिसीट्स में मेरे पास कवर होता है बेटा टैक्स रेवेन्यू आइटम्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आइटम्स. डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग देखते हैं. जितने भी टैक्स एज अ पर्सन मैंने खुद पे किए, मेरी खुद की इनकम पे लगा, लाइक इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स, वो सारा डायरेक्ट इनकम है. लेकिन ऐसे टैक्सेस जो आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स में कैटेगराइज होते हैं. अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू आइटम्स की बात करें तो इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को जहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, किसी भी तरह की कोई फीस अगर पे कर रहे हैं, लाइसेंस एंड फीस पेनल्टीज वगैरह अगर गवर्नमेंट कोई रिसीव कर रही है, एसचीट्स जहाँ पे लीगल हेयर्स का पैसा है. एसचीट होता है बेटा अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन जिसकी डेथ हो जाती है और वो अपने विल के अकॉर्डिंग किसी को भी उस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार या जो भी उसका एक्स वाई जेड जो भी उसका सामान है उसके लिए उसने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया, तो वो प्रॉपर्टी हमारी गवर्नमेंट के पास चली जाती है. दैट इज कॉल्ड एज एस्टेट. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ़ अ पर्सन लीव्स बिहाइंड एनी प्रॉपर्टी विदाउट मेंशनिंग इनटू द विल रिगार्डिंग द नॉमिनी ऑफ दैट प्रॉपर्टी, देन गवर्नमेंट हैज़ अ राइट टू रीक्लेम इट. गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को क्लेम में कर लेती है और वो अकॉर्डिंगली किसी के लिए भी नहीं रहती. बहुत बार ऐसा होता है अगर किसी पर्सन, जैसे मान लीजिए बहुत बार ऐसा है कि किसी पर्सन का कोई हमें लीगल हेयर पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, ये कहलाई जाती है बेटा एस्टेट. फिर आते हैं गिफ्ट एंड ग्रांट्स. बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, हमें फॉरेन एड वगैरह मिलता है, वो सारा भी गवर्नमेंट का रिसीट का पार्ट है, रेवेन्यू आइटम है. फोर फीचर, अगर मान लीजिए कोर्ट में कोई ऑर्डर है वो पूरा नहीं किया गया तो उसके ऊपर जो पेनल्टीज लगती है वो सारी फोर फीचर में आती है. स्पेशल असेसमेंट बहुत केसेस में, अगर किसी जगह की वैल्यू बढ़ गई है किसी एक रीज़न से और गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को, उस पर्टिकुलर हिस्से को एक्वायर करती है, वो हमारा स्पेशल असेसमेंट्स में आता है. तो ये सारी की सारी हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू आइटम्स हैं. अब आप देख सकते हैं बेटा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस. तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी पे या इंडिविजुअल्स की इनकम पर लगता है, लेकिन हम बात करें अगर इनडायरेक्ट टैक्स तो वो लगता है कंपनीज वगैरह पे. अब हम बात करें बेटा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस की. सो डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंड आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. यानी ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है और ये लगता है इंडिविजुअल्स पर या कंपनीज पर. लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये इनकम को इफेक्ट करता है,
क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स ने और कंपनीज में उसको कंज्यूम किया है, तो ये लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। डेफिनेटली यू कैन नॉट अवॉइड दैट डायरेक्ट टैक्स, आपकी इनकम है आपको पे करना होगा, बट यस इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिन्होंने इसको कंज्यूम किया वही पे करेंगे। तो आप अगर उस सर्विस को कंज्यूम नहीं करते आपको उसको नहीं पे करना, सो यस बर्डन कैन बी अवॉइडेड। आपको एग्जाम्पल्स गिवन है डायरेक्ट टैक्स के, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं, सो सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज एटसेट्रा। अब बेटा नेक्स्ट स्लाइड आपकी गिवन है कैपिटल रिसीट्स की। सो कैपिटल रिसीट्स वो होगा जो या तो लाइबिलिटी बढ़ाए या मेरे असेट को कम करे, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई जरूर होगी। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसीट्स के बेटा सब पार्ट्स। तो सबसे पहले बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट्स। देखिए अगर आपने किसी से भी पैसा उधार लिया, बोरो किया, तो यहाँ आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है। अगर रिकवरी ऑफ लोन्स, कोई पुराना लोन था आपको रिकवर हो गया, आपकी यहाँ इनकम हो गई, तो यहाँ आपका असेट कम हुआ। अगर हम अदर रिसीट्स में बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है अपने ही किसी प्रॉपर्टी को, अपने ही किसी हिस्से को सेल आउट करना, तो डेफिनेटली यहाँ आपका असेट रिड्यूस हुआ। लेकिन अगर हम स्मॉल सेविंग्स की बात करें तो स्मॉल सेविंग्स अगर आपने ली हैं लोगों से तो यहाँ आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं बेटा जितनी भी आपकी कैपिटल रिसीट है इनमें या तो आपका असेट रिड्यूस हो रहा है या आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, दोनों में से कोई ना कोई एक काम होगा ही होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड है बेटा बजट एक्सपेंडिचर की। सो यहाँ भी ये है दैट इट रेफर्स टू ऑल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। यानी जो भी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में मुझे जहाँ जहाँ भी खर्चा होगा, चाहे वो किसी भी सोर्सेज पर हो, वो सारा मेरा बजट एक्सपेंडिचर में आएगा। तो बजट एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट्स हुए बेटा, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जो ना तो मेरा असेट बनाए और ना ही मेरी लायबिलिटी को कम करे। खर्चा होगा तो डेफिनेटली चांसेस है कि मेरा असेट बढ़े, लेकिन रेवेन्यूज ऐसा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऐसे खर्चे होंगे जो ना तो मेरा असेट बनाए और ना ही मेरी लायबिलिटी को कम करे। दोनों ही कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, ये सारा का सारा खर्चा है जो आपने किया, लेकिन ना आपका यहाँ असेट बना और ना ही आपकी यहाँ लाइबिलिटी कम हुई। अब ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पर आते हैं तो ये या तो बेटा मेरा असेट बनाएंगे या मेरी लाइबिलिटी कम करेंगे, दोनों में से एक कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी। एग्जाम्पल है रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, अगर आपने उधार वापस कर दिया तो यहाँ आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। अगर आपने कोई कैपिटल असेट खरीदा तो यहाँ आपका असेट बनता है, राइट? सो दीज आर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब आते हैं बेटा अपने टाइप्स ऑफ बजट पर। सो टाइप्स ऑफ बजट आपके तीन टाइप के हैं, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस्ड बजट होगा जहाँ पे मेरे एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड खर्चे दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन सरप्लस बजट नाम से क्लियर है, जहां मेरी एस्टिमेटेड रिसीट ज्यादा होंगी और एस्टिमेटेड खर्चे कम होंगे। लेकिन अगर हम डेफिसिट बजट की बात करते हैं तो डेफिसिट बजट हमारा वो बजट है जहां पे मेरी रिसीट्स कम है और मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब आते हैं हाउ विल यू मेजर दैट गवर्नमेंट बजट। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड शो करती है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को। यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग डेफिसिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिसिट का बेसिकली मतलब होगा जहाँ पर हमारे पास एक्सपेंडिचर तो बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन इनकम कम हुई। तो डेफिसिट इज ऑफ थ्री टाइप्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का बेटा नाम से क्लियर है, रेवेन्यू आइटम्स में डेफिसिट हो रहा है, इसलिए जहाँ मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर और as compared to my revenue receipt, वो बन जाता है मेरा revenue deficit। तो इसलिए revenue deficit का formula हुआ बेटा total revenue expenditure minus total revenue receipts। So next है बेटा मेरा fiscal deficit। Fiscal deficit का formula है मेरा total expenditure minus total receipts excluding borrowings। और बेटा जब भी टोटल वर्ड हम एक्सपेंडिचर के साथ लगा रहे हैं तो इट इंक्लूड्स माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर।
इसी तरह से अगर हम लोग रिसीट्स की बात करते हैं, टोटल रिसीट्स की, तो ये बनता है मेरा रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। तो या तो आपको यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच इज़ योर टोटल एक्सपेंडिचर। और अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है या कुछ नहीं मेंशन, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट ने एस्टिमेट ना किया हमारा एक्सपेंडिचर, वेदर इन रेवेन्यू और इन कैपिटल या रिसीट, तो इसीलिए हम लोग अगर कुछ एक भी चीज़ मिसिंग होगा तो हम लिख सकते हैं दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। इसके बाद बेटा मेरा लास्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है बेटा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। यानी आपको यहाँ इंटरेस्ट वैल्यू गिवन होगा, फिस्कल डेफिसिट आप पहले निकाल चुके हैं, सो फिस्कल डेफिसिट में जब आप इंटरेस्ट को लेस करेंगे दैट बिकम्स योर प्राइमरी डेफिसिट। अब सबसे पहले तो यहाँ ये सीखना ज़रूरी है कि अगर ये डेफिसिट्स हैं तो आखिर ये इंडिकेट क्या करते हैं, क्या शो करता है। तो बेटा रेवेन्यू डेफिसिट शोज योर इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। यानी अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपने रूटीन के खर्चों को भी कवर नहीं कर पा रही। लेकिन अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो इट मेजर्स द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने जो उधार लिया था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, वो पूरा नहीं कवर कर पा रही। और द प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो इट इंडिकेट्स द बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। यानी अगर हम इंटरेस्ट हटा दें तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट को कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन, यानी कि हाउ विल यू मेजर इट, हाउ विल यू सोर्स इट। अगर आपको पता चल गया कि कमी है तो अब आप कहाँ से फंडिंग करेंगे। तो फंडिंग का तरीका होगा बेटा, या तो आप अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कीजिए रेवेन्यू डेफिसिट में, या आप अपने रेवेन्यूज को बढ़ाइए। ये सारा आपका एस्टिमेट फॉर्म में चल रहा है बेटा। देन बोरोइंग्स से आप फिस्कल डेफिसिट को कवर अप कर सकते हैं या नई करेंसी प्रिंट करके। प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें बेटा, तो आप लोन को रीपे कर दीजिए, बोरोइंग्स कम से कम कर दीजिए। तो डेफिनेटली यहाँ आपका इसका सॉल्यूशन मिलता है। So now, let's do some of the numericals based on all your deficit. First question है, आपको given है, आपको यहाँ निकालना है revenue deficit, fiscal deficit और primary deficit. आपको figures crores में given है. Capital receipt net of borrowings given है आपको 80, revenue expenditure 120, interest payment 20, revenue receipt 70 and capital expenditure 150. तो बेटा revenue deficit का तो सिंपल सा formula था हमारा, revenue expenditure minus रेवेन्यू रिसीट, तो दैट इज 120 माइनस 70 विच इज़ योर 50 करोड्स। फिगर हमें करोड्स में गिवन था। फिस्कल डेफिसिट की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और टोटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स को आप ऐड कर दीजिए, तो 80 प्लस 150। सो नेक्स्ट इज माई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था बेटा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। सो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी 150 प्लस 120। अगर हम लोग टोटल रिसीट्स की बात करें तो कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट, लेकिन हाँ बोरोइंग्स को लेस करना है। और ऑलरेडी आपको कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स गिवन था, तो दिस इज 80 प्लस 70 इज 150। तो फिस्कल डेफिसिट आपके पास आ गया 120 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला था बेटा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको 20 गिवन है, फिस्कल डेफिसिट आप निकाल चुके हैं 120, सो योर प्राइमरी डेफिसिट इज रुपीज 100 करोड्स। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, आपको यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। कैपिटल रिसीट गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, साथ ही साथ इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू आइटम्स गिवन है और बोरोइंग्स गिवन है। तो रेवेन्यू रिसीट्स का बेटा फॉर्मूला था मेरा टैक्स रेवेन्यू आइटम्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू आइटम्स। आपने ऐड किया और आपके पास आ गया 37 करोड्स, क्योंकि और ये मुझे डायरेक्ट गिवन था बेटा। तो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, यानी 60 माइनस 37 इज इक्वल टू रुपीज 23 करोड्स। फिस्कल डेफिसिट के लिए मुझे चाहिए सारे एक्सपेंडिचर्स और सारे रिसीट। लेकिन आप देखिए, आपको कैपिटल रिसीट गिवन है लेकिन आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं गिवन। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट ना किया हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी बोरोइंग्स, और ये मुझे गिवन था 16। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट्स की बात करें तो
तो ये होता है बेटा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. फिस्कल डेफिसिट आपने निकाला 16 और इंटरेस्ट आपको डायरेक्ट गिवन है 9, तो प्राइमरी डेफिसिट हो गया आपका 7 करोड़. थर्ड क्वेश्चन, यहाँ आपको फिगर गिवन है सारी मिलियंस में. बोरोइंग्स गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स गिवन है, और इंटरेस्ट पेमेंट में वो आपको कहता है जी 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. तो सबसे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट निकाल रहे हैं, विच इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 70, रिसीट है 50, तो इसका मतलब रेवेन्यू डेफिसिट आया 20 मिलियंस. अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो ये हमारा बोरोइंग्स के इक्वल है, यानी 24 मिलियंस. प्राइमरी डेफिसिट के लिए मुझे इंटरेस्ट निकालना है और फिस्कल में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ 24. मेरा बेटा रेवेन्यू डेफिसिट था 20 और इंटरेस्ट पेमेंट का है 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. सो 30% ऑफ 20 इज योर 6. तो हमारा फिस्कल डेफिसिट आ गया बेटा 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 मिलियंस. नेक्स्ट, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ कैटेगराइजेशंस पर. तो सपोज अगर आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपको मेंशन हो कि आप इन्हीं आइटम्स को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कैटेगराइज कीजिए, साथ ही रीजन दीजिए. रीजन बेटा अगर नहीं भी मेंशन हो तो आपको देना जरूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच कैन नॉट बी यू नो इग्नोर्ड. सो इट्स इनसेपरेबल पार्ट एंड यू हैव टू मेंशन इट, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो. तो अब मुझे इस क्वेश्चन में कहा गया कि इनकम टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स, आप बताइए इसमें से कौन सी आइटम डायरेक्ट टैक्स है और कौन सी इनडायरेक्ट है. आप इसको कैटेगराइज करेंगे रीजन के साथ. तो बेटा डायरेक्ट टैक्स में हम इस तरह से लिखते हैं दैट डायरेक्ट टैक्स एज अ इनकम टैक्स इज नथिंग बट अ डायरेक्ट टैक्स बिकॉज इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, दैट इज देयर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन सेम पर्सन, यू कैन नॉट इग्नोर इट, और जिसने का ये टैक्स उसी ने ही इसको पे करना है. तो दिस इज माई डायरेक्ट टैक्स. अगर हम एंटरटेनमेंट टैक्स की बात करें बेटा तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, एज द बर्डन कैन बी शिफ्टेड, दैट इज देयर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन डिफरेंट पर्संस. अलग लोग इसको पे करते हैं. हो सकता है कि डायरेक्ट टैक्स, जैसे मान लीजिए मैं मूवी देखने गई, एंटरटेनमेंट टैक्स वही है. आप मूवी देखने गए, आपने टिकट काउंटर पे पेमेंट करा, लेकिन आपने गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे नहीं किया, गवर्नमेंट ने आपसे, जो सिनेमा पर्सन्स हैं उन्होंने आपसे टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पर पे कर रहे हैं. तो इसीलिए हम यहाँ कहते हैं दैट देयर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन डिफरेंट पर्सन्स. इम्पैक्ट मुझ पर पड़ा लेकिन इसका इंसिडेंस, जो इसका ऑब्लिगेशन है, वो थिएटर पर्सन्स पर पड़ा. राइट, सो दिस इज माई इनडायरेक्ट टैक्स. इसी तरह से बेटा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ आइटम्स गिवन है, कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन्स आपकी रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है. राइट, तो फर्स्ट है बेटा बोरिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जब आपने किसी से भी उधार लिया तो क्लियर इंडिकेटर है कि ये रिसीट है. सबसे पहले तो आप ये कैटेगराइज करना सीखिए बेटा कि ये रिसीट है या एक्सपेंडिचर है. तो जैसे ही आपको उधार और कंट्रीज से मिला और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिला तो ये इमीडिएटली रिसीट है. अब रिसीट किस तरह का, क्या ये मेरा रूटीन इन नेचर है? आंसर इज नो. तो दिस इज माय कैपिटल रिसीट, और साथ ही साथ ये इमीडिएटली मेरी लायबिलिटी बढ़ा देता है. तो हम कहेंगे दैट बोरिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ कैपिटल रिसीट एज इट क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंड, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट लोन्स. बेटा इंटरेस्ट पे करना गवर्नमेंट लोन्स पर इट्स वेरी रूटीन इन नेचर बिकॉज इट्स पेड, तो इट्स एन एक्सपेंडिचर, और ये रूटीन इन नेचर है इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब हम इसमें रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इट नीदर क्रिएट्स एन असेट नॉर रिड्यूसेस अ लायबिलिटी. थर्ड, कॉर्पोरेट टैक्स. तो बेटा देखिए, कंपनीज ने अपनी इनकम पर टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट के लिए रिसीट है, और दिस इज रूटीन इन नेचर इसलिए हम इसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं. सो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट एज इट नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी असेट ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ जी बेटा, सो नेक्स्ट आइटम है मेरी परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम चाइना. आपने चाइना से कोई मशीन परचेज किया तो बहुत क्लियर इंडिकेटर है परचेज है यानी एक्सपेंडिचर. तो हम यहां पर बोलेंगे दैट दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम रोज रोज ये मशीन नहीं परचेज करें फॉरन से, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एट इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ असेट, यानी यहां मेरा असेट बन गया. फिफ्थ मुझे गिवन है बेटा रिकवरी ऑफ लोन. रिकवर हो रहा है कोई अमाउंट यानी इट्स अ रिसीट, और ये रोज रोज नहीं होता, इट्स नॉट रूटीन इन नेचर, तो इट्स अ कैपिटल रिसीट एज इट लीड्स टू रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट. यहां गवर्नमेंट के असेट कम होते हैं
इसीलिए ये कैपिटल रिसीट है। लास्ट आइटम है बेटा रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो अगर आपने जैसे रिकवरी आपके लिए कैपिटल रिसीट था, ऐसे ही रीपेमेंट आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द कैटेगराइजेशंस हमने हमारे आज के लेक्चर में सीखा, रिवाइज किया हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डेफिसिट, देन कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम्स एंड मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, साइड बाय साइड हमने ऑब्जेक्टिव्स भी सीखा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज मिलेंगे और आपकी क्विक रिविजन होगी। जैसे हमने अभी ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स में हमने हमारा गवर्नमेंट बजट रिवाइज किया, हमारे क्विक रिविजन थी, इसी तरह से हम और भी रिविजन कर पाएंगे। सो ऑल दी वेरी 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 बेस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।